ये पहला जो है वो मीठा गोलगप्पा लेते हैं। ओए ओए, तो हाथ में आ ही नहीं रहा है। मैं डुबोता है। आहा, क्या जबरदस्त लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अली साहब, अली साहब भी बिल्कुल ठीक है। अली अभी अभी आया मेरे पास, कह रहे हैं बाबा क्या खाना है? गोलगप्पे, वो भी स्पाइसी वाले, चटपटे वाले, फुल फुल भाई। इसको चटपटे और गोलगप्पे खाने और स्पाइसी वाले। तो मैंने बोला चलो चलते निकलते हैं और ढूंढते हैं हमारे एरिया में करीब में कहाँ से अच्छे गोलगप्पे मिलते हैं। आपको भी दिखाते हैं, आपको भी साथ में लेके चलते हैं। व्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। आ जाए। बहुत देर हो गई ढूंढते हैं, अभी तक कोई अच्छे गोलगप्पे वाला नजर नहीं आया। अभी तक ढूंढ रहे हैं हम लोग दोनों, मैं और अली दोनों लगे हुए। अली मिल जाएगा, मिल जाएगा, फिक्र नहीं करो। आज बेहतरीन से और लजीज से और मसालेदार हमने गोलगप्पे खाने, चटखारेदार भाई। चलते चलते हमको एक जगह पे ये गोलगप्पे नज़र तो आए हैं, लेकिन इतना रश भी नहीं है, कोई है भी नहीं। तो मुझे लगता है इसके गोलगप्पे को इतने मज़े के होंगे नहीं अली, तो कहीं और ढूंढते हैं, कहीं और, कहीं और जाके देखते हैं कोई अच्छे गोलगप्पे देखते हैं। बहुत ढूंढते डांटते घूमते घामते हम लोग पहुँच चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं फेज़ टू के इलाके में, जहाँ पर हमें एक चटखारेदार जो है वो नज़र आया है। एक शॉप जहाँ पर चटखारी चटखारे, बल्कि उसका नाम भी चटखारी है। तो अब जाके देखते हैं इनके पास क्या क्या है। गोलगप्पे तो लग रहा है दूर से नज़र आए हमको है, लेकिन इनके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जाके इसको भी एक्सप्लोर करते हैं, जाके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, इसके रेट कैसे हैं, और आपको एक लोकेशन भी बताते हैं ताकि आपको भी खाना हो तो आप ज़रूर आए। चले नहीं आओ। सलामुअलैकुम, कैसे भाई, खैरियत से? कैसे छोटे भाई? आपको आपको छोटे भाई इसलिए बोलेंगे, अंकल नहीं बोलेंगे। आप यंग लग रहे हो माशाल्लाह भाई। तो भाई आपके पास गोलगप्पे तो आपने देख लिए कि माशाल्लाह गोलगप्पे दूर से नजर आए, और क्या क्या होता है अपने पास? और बर्गर रेवड़ा होता है, और हैदराबादी रेवड़ा नमकीन होता है, मीठी पूरी होती है, पानी पूरी होती है। पानी पूरी में और मीठी पूरी में फर्क क्या है? फर्क है क्या? खट्टे मीठे होते हैं, जो पानी पूरी है उसके साथ अलग सामान है। अच्छा, चटनी चटनी नहीं है उसके साथ। अच्छा, और जो खट्टे मीठे है उसके अंदर मीठा खट्टा सब है। अरे आपके तो मजे हो गए यार। तो क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर? तो भाई आप एक काम करो, हमारे लिए एक प्लेट लगाओ जिसमें दोनों करवा दे आधे, ताकि हम दोनों को चेक करें ना। हाँ है, अच्छा लग रहा है यार देखने में, तो बहुत लग रहा है, सामान भरा हुआ फुल इसके अंदर। ये आ गया प्याज भाई। यार मैंने देखा अक्सर लोग छोले गिन के डालते हैं, मैंने गिन के नहीं डालना प्लीज यार। सही है ताकि सही भरा हो, मजा आए खाने में ना यार। चलो भाई हमने सिफारिश की तो भाई ने भर दी है वैसे, वाकई में नमकीन है। ये क्या है? दही। ये दही है। जो ब्राउन रेड डाली थी वो क्या थी? वो खजूर, खजूर की चटनी थी। ओके, ओ हो हो हो, फुल ऑफ मसाला। कितने किस्म के मसाले डाले आपने इसके अंदर? चार किस्म के, चार किस्म के अलग अलग मसाले। और ये आ गई इसकी सबसे खूबसूरत चीज, वो है ये पानी खट्टा मीठा। भाई इस पानी के अंदर क्या क्या होता है? पानी के अंदर 14 मसाले होते हैं भाई। 14 मसाले? इसमें कोई ऐसी चीज जो गला पकड़े? नहीं, या ऐसा कुछ नहीं। पक्का कोई गला वाला नहीं पकड़ेगा? कुछ नहीं पकड़ेगा। बस ये आपकी आपकी गारंटी भाई, बीमार हम हो गए तो आप जिम्मेदार हैं। थैंक यू चाचू, थैंक यू। ये भाई आ गए हैं खूबसूरत और हसीन गोलगप्पे, क्या लग रहे हैं देखने में। अली कितने खाने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 5 आपके, 5 मेरे, ठीक है। नमकीन मेरा, मीठा वाला। पूछा मैंने कुछ? भाई ये पहला जो है वो मीठा गोलगप्पा लेते हैं। ओए ओए, तो हाथ में आ ही नहीं रहा है। चम्मच से खाना पड़ेगा। ये आ गया चम्मच में, और ये उन्होंने खास इंस्ट्रक्शन दी कि इसके अंदर पानी ना डालें, इसको वैसे ही खाएं और ऊपर से पानी को चम्मच से पिएं। तो ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मज़ा से भरा हुआ है पानी। पहले जो गोलगप्पा खाया उसके अंदर मीठा चटनी वगैरह डली हुई थी, और जैसे ही वो खट्टा पानी पिया तो दोनों का मिक्सचर जो बना, क्या जबरदस्त टेस्ट आया उसका। VIP। तो आपने मीठा खाया तो मैं नमकीन। चलो नमकीन ट्राई करो। ये भाई अली साहब की बारी है, और ये अली साहब ने लिया नमकीन, पानी में डुबाया। मुँह तो देखा कितना बड़ा खुला है। देखा जैसा चाह रहे थे वैसे ही है। भाई अभी मैं एक नमकीन भी ट्राई करता हूँ, इसके अंदर सिर्फ छोले हैं
और प्याज है और पापड़ी डाली हुई, छोटी छोटी जो पापड़ी होती है वो डाली, इसको पानी में डुबोते हैं। आ हा हा हा, क्या जबरदस्त लग रहा है। नाइस। दोनों का अपना अपना मजा है, दोनों का, मीठी का भी अपना मजा है और नमकीन का भी अपना मजा है। इसी बात, ये पानी जो है वो ठंडा है, मतलब ठंडा पानी नॉर्मल नहीं है, ठंडा पानी तो उसके साथ खाने में मजा भी आ रहा है बहुत ज्यादा। हाँ चाचू, ये अच्छा किया आपने टिश्यू लिया है, सारा मुंह पे लग गया दही भाई यार। थैंक यू। कौन सा आप बताओ, मीठा मजे का ज्यादा नमकीन? नमकीन। अच्छा आपको नमकीन अच्छा लगा। नमकीन को 5 out of कितने नंबर दोगे आप? 5 out of 5। वाह भाई, ये आपका। और मीठे को आउट ऑफ 5? 3। जी साहब की ने कहा कि नमकीन को 5 out of 5 और मीठे को 3 out of 5। मेरी नज़र में मीठे को 4 out of 5 है और नमकीन को भी तकरीबन 3.5 जो है वो 5 में से। तो अपनी अपनी पसंद की बात है भाई। अब वो अंकल ने तो कहा था कि जो मीठे वाले हैं उनके अंदर पानी ना डाल के खाएं और नॉर्मल तरीके से खाएं, वरना तो हम आपको पता है गोलगप्पे किस तरह खाते हैं कि पानी में डुबो के। अब मैं मीठे वाले को भी पानी डाल के खाता हूँ, देखता हूँ ये कैसे लगता है। फिर ये इसके अंदर भर दिया है हमने पानी, पानी और ये आ गया है चम्मच के अंदर, गिर ना जाए, नरम हो चुका है, कितना लजीज लग रहा है देखने में माशाल्लाह। अच्छा, इसको खाने के लिए नॉर्मल आदमी का मुंह नहीं चाहिए, बड़ा मुंह खोलना पड़ता है, बहुत बड़ा। उन्होंने जो कहा था, लेकिन पानी में डालने के बाद जो खाया तो मज़ा डबल हो गया भाई, फुल VIP सेटअप हो गया। अगर पानी भी सारा पी लिया है, थोड़ा सा रह गया, इसको भी ट्राई करता हूँ। ये देखिए, सही बोल रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे मसाले हैं यार। ये वहाँ पूरा मसाले के बॉल थे। जी हाँ, ये सारे मसाले ही हैं। मज़ा आ रहा है लेकिन पीने में, गले में नहीं लग रहा है। डर ये लग रहा है कि गला ना खराब हो जाए बस। सिटिंग एरिया उन्होंने अंदर भी बनाया है और बाहर भी सिटिंग एरिया है, लेकिन ठंड का मौसम है इसलिए लोग गाड़ियों में बैठ कर खा रहे हैं। इधर सारी गाड़ियों में ये अंकल सप्लाई करते जा रहे हैं। अगर चाचू जी, आपकी शॉप कितने अरसे से है? ये 11 साल हो गए शॉप को। माशाल्लाह 11 साल हो गए। और फूड पांडा वगैरह पर भी होती है? फूड पांडा पे भी है। माशाल्लाह क्वालिटी बहुत अच्छी है आपकी, बहुत जबरदस्त है, सफाई बहुत अच्छी है। अब आती है रेट की। ये जो हमने खाई है दही बड़े, ये अपना गोलगप्पे, इसकी प्लेट कितने की है? 180 रुपए की। यानी पैसे भी माशाल्लाह मुनासिब है। और दूसरा ये कि जो गप्पा राजा जो आपने बताया वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम खाने आएंगे, लेकिन वो कितने का तक है अपने व्यूअर्स को बता दें? 280 का फुल भरा हुआ जो होता है, फुल भरा हुआ बहुत जबरदस्त है। नेक्स्ट टाइम ये हमने जरूर खाना है, अभी क्योंकि पेट भर गया गोलगप्पे खा के। लोकेशन है ये सामने जो है वो मास्टर जूस मशहूर है फेस 2 में, वहाँ से सीधा रोड आता है और आते हुए ये यहाँ पे दिल्ली के चटखारे मशहूर है यहाँ पर काफ़ी। तो हम तो कहेंगे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जिनको मसालेदार चीज़ें खाने का शौक़ है वो तो ज़रूर आएँ, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा। तो जब हम चाहते हैं हमें मज़ा आए तो हमारे व्यूअर्स को भी मज़ा आए। ब्लॉग को यही पेंड करते हैं, उम्मीद आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया और मुँह में पानी आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।